एक काफी शॉकिंग ट्विस्ट में डैंडाडैन एपिसोड 3 को चाइना में काफी हैवी सेंसरशिप का शिकार होना पड़ा है और इसने फैंस में काफी डिबेट छेड़ दिया है। ये सीरीज जो अपने यूनिक सुपरनेचुरल बैटल्स और कॉमेडी रोमांस के मिक्स के लिए जानी जाती है, उसमें ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो काफी आउट ऑफ द प्लेस लगते हैं, स्पेशली जब एनिमे में हमेशा ऐसे कॉन्टेंट सेंसर होते रहे हैं। 4Kid एंटरटेनमेंट के इनफेमस वन पीस डब याद आ गया, जिसमें बहुत सारी चीजें कल्चरल स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए एडिट, सेंसर या रिमूव कर दी गई थी। सेंसरशिप एनिमे में नया नहीं है, लेकिन दांदादान के फैंस इस बार चेंजेस के स्केल्स को देखकर काफी शॉक्ड है। फैंस ने सोशल मीडिया पे अपने थॉट्स शेयर किए और कुछ ने तो इसे पहले के ड्रास्टिक एनिमे एडिट्स के साथ कंपेयर किया, ये बताते हुए कि आजकल के व्यूवर्स अनसेंसर्ड वर्जन देखने के ज्यादा अकस्टम्ड है। आज के टाइम में जब फैंस को अनसेंसर्ड वर्जन्स इजीली मिलते हैं, डैंडाडैन के एडिट्स काफी कंफ्यूजिंग और शॉकिंग लगे। एपिसोड 3 को चाइना में कुछ सीन्स के वजह से सेंसर किया गया जो ज्यादा एक्सट्रीम नहीं थे। एडिट्स मेनली सजेस्टिव कंटेंट और कुछ विजुअल्स को टोन डाउन करने के लिए थे, जो कि चाइना के स्ट्रिक्ट कॉन्टेंट गाइडलाइन के हिसाब से इनअप्रोप्रिएट लगे। कुछ सीन्स जिसमें क्लीवेज दिखाया गया था, जैसे सेइको आयासे के रिवीलिंग आउटफिट्स, उनको एक्स्ट्रा शेडिंग और क्लोथिंग से कवर कर दिया गया था, और फैंस को ऐसा लगा कि ये जो अननेसेसरी हैवी हैंडेड सेंसरशिप थी, इनकी एक्चुअली में जरूरत नहीं थी। कुछ एडिट सटल भी थे, जैसे सेइको आयासे का सिगरेट चेंज करके उसको लॉलीपॉप बना दिया, जो कि रियली 4Kid के वन पीस के सेंसरशिप जैसे लग रहा था। कैजुअल व्यूअर शायद नोटिस ना करे, पर हार्डकोर डैंडाडैन फैंस जो हर डिटेल फॉलो करते हैं, उनके लिए डिफरेंसेस क्लियरली नोटिस थे। चाइना के बाहर के फैंस भी शॉक में है कि जो कंटेंट उनके लिए काफी टेम है, वो इतने हैवी स्क्रूटिनी का शिकार कैसे बन गया। इस सेंसरशिप का ग्लोबल रिस्पांस काफी क्रिटिकल रहा है। फैंस ने सोशल मीडिया पर अपने फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस किया और इसे पहले के फेमस सेंसरशिप मूवमेंट से कंपेयर किया, स्पेशली वन पीस के 4Kid के चेंजेस के साथ जो अर्ली 2000s में रिलीज हुआ था। आज के टाइम में जब Crunchyroll और Netflix जैसे प्लेटफॉर्म मिनिमल एडिट के साथ एनिमे स्ट्रीम करते हैं, ऐसा सेंसरशिप 2024 में काफी आउट ऑफ द प्लेस लगता है। फैंस का फ्रस्ट्रेशन इस चीज से आता है कि क्रिएटर्स के ओरिजिनल विजन को इस सेंसरशिप से नुकसान पहुंचाता है। ये एडिट सिर्फ फैंस को ही डिसअपॉइंट नहीं करते, पर बड़े क्वेश्चंस भी रेज करते हैं कि सेंसरशिप का आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी पर क्या असर होता है। जब डैंडाडैन की आर्ट और कैरेक्टर्स को चेंज किया गया, तो एपिसोड्स का मैसेज और टोन भी बड़े तरीके से बदल जाता है। डैंडाडैन की चार्म उसके क्वर्की और बाउंड्री पुशिंग कंटेंट में है, और एक मार्केट के लिए इसे अल्टर करना मेकर्स के क्रिएटिव इंटेंट को कम करने जैसा है। एनिमे जैसे जैसे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होते जा रहा है, सवाल ये है कि क्रिएटर्स को कितने आगे जाना चाहिए डिफरेंट मार्केट्स को अकोमोडेट करने के लिए, और ये उनके क्रिएटिव विजन पर क्या असर डालेगा। आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे और मांगा से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर डेली बेसिस पे डालता रहता हूं। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।